सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 165 तक। अब इसके बाद हम 166 से पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको सभी की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सभी विषयों की आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, वायुदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब जिस यंत्र से नापते हैं उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। किस यंत्र से? जब यंत्र का नाम पूछेगा तो बैरोमीटर लिखेंगे, और जब इकाई पूछेगा वायुदाब का मापन किया जाता है तो उसे हम कहेंगे मिलीबार में, या फिर पास्कल में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 167 है, संघनन किसे कहते हैं? जब वायुमंडल का ताप घटने लगता है तो वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, वायुदाब का मापन किया जाता है। अब आप देखिए सेम, आपको अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको सेम वही क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर पूछा है वायुदाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर, और वायुदाब का मापन किया जाता है किसमें? मिलीबार में, मिलीबार में, या फिर पास्कल में भी करते हैं। यहाँ पर पास्कल नहीं, पास्कल आंसर नहीं लिखा है, केवल मिलीबार लिखा है। तो आप याद रखिएगा कि वायुदाब का मापन हम ये जो मीटर है इन पर किया जाता है। ठीक है, ये इकाई है, वायुदाब को मापने की इकाइयां हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब यंत्र पूछेगा तो बैरोमीटर, और जब इस तरीके से पूछेगा वायुदाब का मापन किया जाता है तो मिलीबार में या फिर पास्कल में। क्वेश्चन नंबर 169 है, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं? तो पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं विषुवतीय या भूमध्य रेखीय, निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च पेटी, फिर है आध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और फिर है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 170 है, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, तो यहां पर आप आंसर में इस तरीके से हाइग्रोमीटर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हाइग्रोमीटर नहीं याद है तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से यहां पर आंसर लिखा हुआ है, वायुमंडल की आर्द्रता आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है, इस तरीके से भी अपना आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे के लिए भी तैयारी करनी है अपने यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी, तो आप इसको, इस क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि वहां पर आपको करेक्ट आंसर यही देना रहेगा, हाइग्रोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 है, वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं? तो धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं? वायुदाब या वायुभार कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि गैसें कोई दबाव नहीं डालती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, गैसों का मिश्रण है, और ये भी हमारे धरातल पर दबाव डालते हैं। इसीलिए क्षोभ मंडल हो, चाहे समताप मंडल हो, आयन मंडल हो, इन सभी पर दबाव ऊपर जाने पर कम होने लगता है, लेकिन नीचे जो क्षोभ मंडल होता है सबसे अधिक दबाव इसी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 172 है, पवन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 है, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप मुड़ना हो जाता है, इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, पवनों के प्रकार बताइए। पवनों के प्रकार है अस्थाई अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवने, सामयिक या मौसमी अथवा अस्थाई पवने, फिर है स्थानीय पवने। क्वेश्चन नंबर 175 है, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण ही 50 डिग्री रिचड़ी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री रिचड़ी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। यानी कि प्रचंड पचासा का मतलब है 50 डिग्री रिचड़ी अक्षांश, और साठा यहाँ पर देखिए चीखता साठा लिखा हुआ है, इसका मतलब है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर ये डिग्री से मतलब है, इसको आप याद रखिएगा, और दक्षिणी अक्षांश से मतलब है, आप लोगों को पता है कि ग्लोब में जो ऊपर होता है ये उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे जो होता है ये साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, इधर यहाँ की बात हो रही है नीचे की, तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 176 है,
ट्रेंड विंड्स किसे कहते हैं, यानी कि व्यापारिक पवने क्या होती हैं, व्यापारिक सन्मार्गी पवन को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रेंड विंड्स कहते हैं, क्योंकि ट्रेंड मीन्स क्या होता है, व्यापार होता है, विंड्स मीन्स हवाएं होता है, तो व्यापारिक हवाएं हो गया। क्वेश्चन नंबर 177 है, मानसूनी पवने क्या है, वे पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है वे मानसूनी पवने कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, स्थली तथा सागरी समीर की दिशा में कितना परिवर्तन होता है, तो इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर दो बार परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 179 है, चक्रवात क्या है, पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है, इसे हम चक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, विश्व की मुख्य हवाओं का नामोल्लेख कीजिए, विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय हवाएं हैं चिनूक, फान, सिरोको, बोरा, ब्लीजर्ड आदि। क्वेश्चन नंबर 181 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उष्णकटिबंध में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को ही हम उष्णकटिबंध चक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, लहरें किसे कहते हैं, जल की सतह से टकराकर हवाएं उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लहरें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को और ज्वार तथा नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। तो ये जो ज्वार भाटा आता है किसके कारण आता है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ही ज्वार भाटा आता है। तो सागरी जल जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 184 है, महासागरी धाराएं कितने प्रकार की होती है, तो महासागरी धाराएं दो प्रकार की होती है, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, याद रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 185 गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जल धारा है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम, ग से गल्फ और ग से गर्म, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 186 है, समुद्री जल की प्रमुख गतियां कौन कौन सी हैं, तो लहरें, ज्वार भाटा तथा धाराएं समुद्री जल की प्रमुख गतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है, किन्हीं तीन महासागरी धाराओं का नामोल्लेख कीजिए, क्यूरोशियो की धारा, क्यूराइल की धारा, लेबराडोर की धारा। क्वेश्चन नंबर 188 है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान उन आधारभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, संविधान सरकार की शक्ति का स्रोत है, यानी कि संविधान में जो नियम लिखे होते हैं उसी के अनुसार नियम चलते हैं, देश का कानून चलता है और किसी भी देश का शासन इसी से चलाया जाता है। तो संविधान क्या होता है, किसी भी देश के लिए सर्वोपरि होता है, उसको हर एक व्यक्ति को उस देश में रहने वाले को मानना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 189 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा संविधान निर्मात्री सभा के भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। क्वेश्चन नंबर 190 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और आप में से मैक्सिमम लोगों को ये याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, भारतीय संविधान की दो विशेषताएं लिखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत, आपको पता है, और मूल अधिकारों की इसमें व्यवस्था है जो कि सबसे अच्छी चीज है। आपके मौलिक अधिकारों में सबसे पहले तो आप लोगों के निशुल्क शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। आप लोगों को पता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है और ये बहुत बड़ी चीज है कि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को है समान रूप से। और इसके अलावा आप लोगों को पता है, आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में किसी भी ग्रुप से प्रतिबंधित नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमारे देश का जो संविधान है उसको बहुत ही अच्छे से और जिन जिन देशों में जो अच्छी चीजें थी उनको लेकर के बनाया गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है, जो संसदात्मक प्रणाली है ये इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 192 है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है दोस्तों, भारत की राजभाषा हिंदी है, यहाँ पर आप सही कर लीजिए क्वेश्चन में, राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, यहाँ भी कट कर दे रही हूं मैं।
बस इतना आप याद रखिएगा, हिंदी है राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 193 है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। आप लोगों को पता है कि संपत्ति का अधिकार भी था पहले मूल अधिकार में, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 194 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 195 है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस दिन को हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे भी जिसे हम कहते हैं। तो वही चीज है सेम, उसको इंग्लिश में हम रिपब्लिक डे कहते हैं, हिंदी में हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें क्या हैं? नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक 5 शर्तें हैं, जन्म, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है प्राकृतिक और पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट। क्वेश्चन नंबर 197 है, एकल नागरिकता क्या है? यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी पद्धति को केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की ही व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या एकल नागरिकता प्राप्त है, केवल और केवल एक समय में आप एक ही जगह के नागरिक रह सकते हो, यानी कि पूरे भारत में अगर आप कहीं भी रह रहे हो तो आप भारतीय नागरिक कहलाओगे। पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, जम्मू कश्मीर भारत का अलग राज्य था, तो जब धारा 370 हटा तो वो क्या हो गया, वो भी एक ही हमारे राष्ट्र का ही अभिन्न अंग हो गया। नहीं तो पहले क्या था कि पहले वहां पर दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, यानी कि आपको जम्मू कश्मीर का भी नागरिक होना पड़ता था और साथ ही देश का, तो आप तब रहोगे ही, लेकिन वहां पर दोहरी नागरिकता थी। लेकिन अब क्या है, अब पूरे देश में आप कहीं भी रहोगे आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय कहलाओगे, यानी कि आपके पास केवल एकल नागरिकता रहेगी। और पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, आप भारत के तो नागरिक हो ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी नागरिक आप होने चाहिए, लेकिन अब ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 198 है, मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों को दी जाने वाली आजादी की सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, संपत्ति के मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो भाग 3 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 200 है, नीति निदेशक तत्वों से आप क्या समझते हैं या आपका क्या आशय है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जल कल्याण के को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है, यानी कि ऐसे लोग जो जन कल्याण में भी भागीदारी रखें अपनी, मतलब कि यहाँ पर पूरे देश के लोगों की बात हो रही है, सभी के लिए ये कर्तव्य है कि आप लोग कुछ ना कुछ सोशल वर्क भी करें, अगर आप किसी की मदद करने के लायक हैं तो आप जरूर मदद करें। तो इस तरीके से यहाँ पर नीति निदेशक तत्व बनाए गए हैं हमारे देश में। कोई यहाँ पर आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कह रहा, आपके अंदर अगर इच्छा हो तब आप करिए। क्वेश्चन नंबर 201 है, किन्हीं दो नीति निदेशक तत्वों के नाम बताइए। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, दूसरा है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। क्वेश्चन नंबर 202 है, उपभोक्ता का क्या अर्थ है? जब कोई व्यक्ति कोई माल सामान खरीदता है तो वह उस माल सामान का उपभोक्ता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 203 है, उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अभिकरण के कितने प्रकार हैं? दोस्तों उपभोक्ता विवाद का मतलब है कि अगर आप कोई सामान लेने गए हो किसी भी दुकान पर, अगर आपको उसके सामान में कोई कमी दिखती है या तो वो नाप तौल में कोई गड़बड़ी करता है वो व्यक्ति दुकानदार, तो आप उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हो? अगर आप किसी दुकानदार की शिकायत करना चाहते हो जागरूक उपभोक्ता की तरह, तो आप सबसे पहले जिला फोरम में शिकायत कर सकते हो। जिला फोरम में होता क्या दोस्तों, जिला फोरम के पास सिविल कोर्ट का अधिकार होता है, जिसके अंतर्गत वह किसी भी शिकायत की खोज एवं जांच कर सकता है। इसमें जो भी विरोधी पक्ष है उन्हें इस प्रकार के कार्य करने होते हैं, जैसे कि दोषों को दूर करने के लिए माल को समान रूप से नई वस्तुओं से बदलना, शिकायतकर्ता की कीमत की वापसी के लिए, मुआवजा के भुगतान के लिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो राज्य आयोग होता है, स्टेट कमीशन, यहाँ पर आप देखिए राज्य आयोग, इसका क्या कार्य होता है? राज्य आयोग के गठन की अधिसूचना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पारित किया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं, प्रथम सदस्य अध्यक्ष के रूप में न्यायालय का न्यायाधीश जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो वही राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार
अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। प्रथम अध्यक्ष, इसमें न्यायालय से एक सदस्य होता है और अन्य सदस्यों की संख्या 4 होती है। तो इस तरीके से उपभोक्ता विवाद का अंत जिला फोरम कोर्ट में, राज्य आयोग में और राष्ट्रीय आयोग में होता है, जो भी दिक्कत होती है उपभोक्ताओं को। तो अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है, उपभोक्ता अपनी शिकायतें कहाँ पर कर सकते हैं? तो उपभोक्ता अपनी शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में कर सकते हैं, जैसे कि जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 205 है, उपभोक्ता कितने प्रकार का हो सकता है? कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार का उपभोक्ता हो सकता है, माल का उपभोक्ता या सेवाओं का उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 206 है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत सन 1960 से हुई। क्वेश्चन नंबर 207 है, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो 35% है। क्वेश्चन नंबर 208 है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दालें आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है, हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है? कुछ फसलों तक सीमित होना, यानी कि कुछ ही फसल है जो हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, मुद्रा का क्या अर्थ है? मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। क्वेश्चन नंबर 212 है, चेक कितने प्रकार का होता है? चेक 3 प्रकार का होता है, बाह्य चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक। क्वेश्चन नंबर 213 है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है, जिसका लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। क्वेश्चन नंबर 215 है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित आज्ञा प्रतिज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 215 है, हुंडी क्या है? हुंडी भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र है, जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उससे लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्यानुसार टिकट भी लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा, पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे, और पार्ट 5 जो होगा वो आपका लास्ट पार्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल कलर का बटन होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, और बगल में घंटी का भी निशान बना होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें अपने कॉलेज ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप जहां पर आपके सभी फ्रेंड्स हैं वहां पर जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक हमारी वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़े, ताकि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक हो। क्योंकि सार्थक तभी होगा जब अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हमारे वीडियोस पहुंचेंगे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप हर एक वीडियो को देखिए। हमारे यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। आप लोग दोस्तों पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, जिस तरीके से हम लोगों ने आपके लिए मेहनत की है, इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया है कि आपको सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स किसी ने दिया हो, उसके बाद फिर आप लोगों को सभी सभी विषयों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हो, सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज को सॉल्व करवाया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया। आप देखो किस तरीके से आपको कहीं भी सुव्यवस्थित तरीके से आपको नहीं मिलेगा। तो हमने जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, इस तरीके से अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाते हो एग्जाम में तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।